नमस्कार, मैं प्रियंक श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक अभिनव एवं रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको खेल खेल में शिक्षा से संबंधित मणिपुर राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पिक ए बू। इस गतिविधि के अंतर्गत शिक्षक ने बड़े खूबसूरत तरीके से बच्चों को मनोरंजक तरीके से खेल खेल के माध्यम से पाठ का पुनराभ्यास कराने का प्रयास किया है। इस गतिविधि के क्रियान्वयन में शिक्षक ने सर्वप्रथम बच्चों को रैंडमली कि जैसे जिस बच्चे की जहां इच्छा हो खड़ा हो जाए अपने हिसाब से, और शिक्षक ने उन बच्चों की तरफ पीट करके खड़े हो गए और उन्होंने किसी भी एक बच्चे को चुन लिया। जैसे उन्होंने मान लिया चुन लिया कि दाहिने से सातवां बच्चा। अब जो दाहिने साइड से सातवां बच्चा था वो शिक्षक के द्वारा चुन लिया गया है, तो शिक्षक फिर उसको, अब शिक्षक को यहाँ पता ही नहीं कौन कहाँ पे खड़ा है, इसलिए कोई पार्शियलिटी की संभावना नहीं और वो सातवां बच्चा शिक्षक के पास आ जाएगा। अब शिक्षक बोलेंगे कि इस बच्चे को छोड़ के बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी छिप जाएं विद्यालय में, जहां कहीं भी उनको उचित जगह मिले। और साथ ही साथ शिक्षक प्रत्येक बच्चे का पहले से या तो नंबरिंग कर देंगे या तो कोई ना कोई प्रश्न उस बच्चे को दे देंगे, प्रश्न की पर्ची। इस तरीके से अब ये जो बच्चा है, जो सातवें नंबर का जो बच्चा था जिसको शिक्षक ने पहले चुन लिया था, उसकी जिम्मेदारी होगी उन सभी छिपे हुए बच्चों को खोजना। तो अब ये खोजना शुरू करेंगे, खोजते खोजते अगर इन्होंने किसी बच्चे को प्राप्त कर लिया, खोज लिया, तो उसके पास जो क्वेश्चन होगा वो पूछेंगे, बताओ क्वेश्चन क्या था तुम्हारे पास, और उसका फिर उसको कहेंगे कि उत्तर दो। अब अगर वो बच्चे ने उत्तर दे दिया तो फिर इनको दूसरे बच्चे को खोजना पड़ेगा, और अगर नहीं दे पाया तो अब ये उसकी जगह चले जाएंगे और उस बच्चे को खोजना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस खेल गतिविधि के माध्यम से छुपन छुपाई जैसा शिक्षक ने बड़े मनोरंजक तरीके से पाठ का पुनराभ्यास भी कराया और बच्चों को प्रेरित किया कि वो पाठ की जो भी विषय वस्तु उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सके। शिक्षक ने इस गतिविधि के क्रियान्वयन में एक और चीज का ध्यान रखा कि जब बच्चे को बोलेंगे कि तुमको खोजना है, उससे पहले उसको बोलेंगे कि तुम या तो 1 से लेकर 25 तक की कोई संख्या काउंट करो या कोई राइम्स को गाने के बाद खोजने के लिए निकलो, ताकि अन्य बच्चों को एक पर्याप्त समय मिले कि वो छिप सकें। तो इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक ने विद्यालय में पठन पाठन का माहौल बनाया और बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पुनराभ्यास कराने का प्रयास किया है। तो हम आशा करते हैं कि नवाचार आपको अच्छा लगा होगा और इसे आप अपने कक्षा और विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे। इस तरीके कई बेहतर और मनोरंजक नवाचार हम आपके बीच लाते रहेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI का फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।